स्टूडेंट्स मैम, आज हम फिफ्थ क्लास का सेकंड का सेवन चैप्टर है सर्वनाम को पढ़ेंगे। तो सर्वनाम को समझने के लिए सबसे पहले उसकी परिभाषा देखनी पड़ेगी कि परिभाषा क्या होती है या किसे हम सर्वनाम कह सकते हैं। वे शब्द जो संख्या के या फिर दूसरी इस तरह से लिखते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, ये फर्स्ट हो गई और ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसको एक उदाहरण से समझने को सही कैसे प्रयोग होते हैं, उदाहरण देखिए। उदाहरण, जयंत निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
के छह मेल हो गए। अब इनके एक एक के बारे में पूछेंगे किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से शब्द, किस क्या विशेषताएं होती है इनकी, और एक दो उदाहरण भी समझेंगे कि क्या किस प्रकार के सेंटेंस को हम पुरस्कार। पहला है हमारा पुरस्कार सर्वनाम, इसका है इसकी डेफिनेशन, जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाले किसी अन्य व्यक्ति
Watch out.